आज सारे चोर मिलकर जो चौकीदार को चोर कह रहे हैं ये उनकी हताशा का निराशा का प्रतीक है। तो इसलिए फिर से मैं समझता हूं देश की जनता इस ईमानदार यशस्वी मजबूत और निडर व्यक्ति को ही देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी, जो ईमानदारी के साथ देश का विकास भी करेगा, देश की खजाने की सीमाओं की सुरक्षा भी करेगा और देश का परचम पूरी दुनिया में फैलाएगा। इसी विश्वास के साथ आपको कुछ पूछना है आज इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेताजी केजरीवाल कह रहा है कि चौबीस चोर है और राफेल के सारे कई हजार करोड़ रुपए डकार गया और अंबानी के लिए वो चौकीदारी कर रहे हैं, अडानी के लिए चौकीदारी कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे। देखिए ये सारे चोर परेशान हैं क्योंकि चोरों का दाव नहीं लग रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई गड़बड़ नहीं है, लोकसभा में उस पर बहस हो गई, अगर इनको लगता है तो ये जाए मुकदमा दर्ज कराए सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने। चौकीदारी के कहने के लिए कुछ नहीं है, चौकीदार और चोर मिल गए ऐसा ना विपक्ष के, ये चौकीदार ऐसा है जिसके बारे में सारा देश जानता है, ये देश की जनता के साथ मिला हुआ है इसलिए चोर परेशान है। देश की जनता इस चौकीदार पर उसका अटूट विश्वास है, इसलिए अगर ये मजबूत होते हैं चौकीदार के खिलाफ, चौकीदार बेईमान होगा तो ये केजरीवाल ये कांग्रेस ये सब जो दिल्ली में गिर रहा थे नहीं मिलने के लिए, हरियाणा में गिर रहा थे नहीं मिलने के लिए, तो सब परेशान है, एक एक करके मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है सारे मिलकर भी आज देश में मोदी का मुकाबला नहीं कर। मंत्री जी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव कर सकते हैं फरदाबाद से, तो क्या देखिए लोकतंत्र है कोई भी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है, तो अपने को तो चिंता है भाजपा जो है जिताऊ उम्मीदवार पर दाग लगाने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से आपका विरोध पीछे भी नजर आया तो लगता है आपको कि आपकी टिकट कंफर्म है। देखिए मैंने हमेशा कहा है मेरी भूमिका मेरी पार्टी तय करती है, और जो पार्टी मेरी भूमिका तय करती है उस भूमिका को ईमानदारी नेताजी एक आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपकी सारी संपत्ति का ब्यौरा दिखाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या मामला है? देखिए है क्या है इनकम टैक्स में, क्या है सीवीसी में, क्या है आईटीआई में, और एक एक चीज का हिसाब सच्चा ये है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग जब लोगों के साइकिल नहीं होती थी जब किशन पाल के परिवार के पास तो पहला हुआ था गाड़ियां होती, आपके खिलाफ ये जो मंत्री जी आपके खिलाफ कभी नारेबाजी होती है कभी बैनर लगाए जाते हैं कभी ये वीडियो चलती है, ये कौन करवा रहा है सारे, इसके पीछे कौन है? कोई भी करा रहा हो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सब मोदी जी के दीवाने हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो पहले से अधिक मतों से जीतेगा। मंत्री जी कुछ आपकी पार्टी कुछ लोग कहते हैं कि ये आपकी पार्टी के लोग करा रहे हैं, कोई कहता है विपक्ष करवा रहा है, मेरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है, ये विरोधी लोग जो हताश हैं निराश हैं जिनको अपनी हार निश्चित नजर आ रही है ये होता तो है। मंत्री जी आपके ही एक मंत्री विपुल गोयल आपके हर प्रोग्राम का बायकॉट क्यों करते हैं, भाजपा एकजुटता की बात करती है इसका जवाब दें। कोई नहीं विपुल मेरा छोटा भाई है, आपको चुनाव आने को आपको साथ खड़ा मिलेगा। कैसा छोटा भाई है जो शहर के प्रोग्रामों में शामिल नहीं होते? देखिए एक कार्यक्रम में मैं भी नहीं होता नहीं और हो सकता है कि दूसरे कार्यक्रम अनेक कार्यक्रमों में इकट्ठे मिले होंगे आप, ये लोग ही कहते हैं कि चौकीदार का तमगा नहीं मिला इसलिए वो नहीं आए आप। देखिए मैंने बात मेरे सर हमेशा एक बार विधानसभा में कहा था गुजर की राय और बीजेपी की राय समय पर कूटे पे मिले ध्यान रखना। मंत्री जी आजकल जो विरोध चल रहा है आपका उसमें कुछ भगवान जो चोला पहने हुए लोग हैं वो भी आपके विरोध में है? मेरा कोई विरोध नहीं है, हम सब मोदी जी के साथ हैं, वो विरोधी भी मेरी मोदी जी के साथ है, कोई विरोध नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वो मोदी जी के तो साथ है लेकिन विरोध आपका चल रहा है?
लेकिन किसने कहा कि सारा फैजाबाद मेरे साथ है? किसने दावा किया है? लोकतंत्र है, इसमें समर्थक भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। अगर सारे मेरे साथ हो जाए तो चुनाव ही नहीं होगा। भाजपा ही नहीं, बहुत लोग मोदी जी के साथ है। आप किसको अपने मोदी जी की टक्कर में देश में कोई नहीं है। एक तरफा तूफान चल रहा है मोदी जी का, इसलिए कोई सामने नहीं, कोई आ जाए सब आदमी लोग जाएंगे। मोदी जी लड़ेंगे, कृष्णपाल गुर्जर जी लड़ेंगे। देश में मोदी जी के लिए वोट डाल रहे लोग, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। आप कितने मतों से जीत रहे हैं जी? कितने वोटों से जीत रहे हैं? मंत्री जी, पिछले दिनों विजय संकल्प यात्रा के दौरान हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्र ने एक विवादित बयान मीडिया में वायरल हुआ था, उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दें। देखिए, मैं कहता हूँ आजकल राजनीति का स्तर भी बहुत गिर गया है, पत्रकारिता का स्तर भी बहुत गिर गया है। सामने बैठकर भी सच्चाई से मुंह चुराते ऐसे लोग थे। मैं दावा करता हूँ अगर कलराज मिश्र जी ने जो बातें छापी है अखबारों में, अगर वो बात को सिद्ध कर दे तो मैं आज ही राजनीति से जीवन भर के लिए संन्यास ले लूंगा। अपना भक्तों में अपनी कलम का खबर भी बनाए दो। खबर के खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने सोशल मीडिया देखना है, हमने अखबार देखना है, हमने टीवी देखना है, क्योंकि यही मेरा है क्या दुनिया सच्चाई नहीं है। आने वाले चुनाव में आपके नाम पर वोट पड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे या आपके विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे? देखिए, मोदी जी मनोरजी ने जो देश में विकास किया है, जो सुशासन दिया है, जो भ्रष्टाचार मुक्त और घोटाला मुक्त सरकार दी है, ये सारे विषय होंगे, इन सब पर मोदी जी के लिए मनोरजी के लिए वोट पड़ेंगे। आपके विकास की बात करते हैं कि आपके टाइम में विकास नहीं हुआ और इनसे आहत होकर वापस फरीदाबाद आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, जिसको अपना पता नहीं। आखिरी सवाल है मेरा, सुनिएगा। आपने भी विकास की बात कही है, स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चली थी भाजपा सरकार। स्मार्ट सिटी के तहत हमारे फरीदाबाद शहर को तक कितना पैसा मिला? देखिए, 400 करोड़ रुपया मिला है, 200 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट से, 200 करोड़ केंद्र सरकार। कितना पैसा यूटिलाइज किया? देखिए, उसमें से ज्यादातर टेंडर हो गए हैं, 400 करोड़ में से ज्यादातर के टेंडर हो चुके हैं, लगभग 400 करोड़ के हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, एक छोटी जानकारी, 196 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए और 194 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें से केवल 28 करोड़ रुपए यूज हुआ अभी तक, यानी कि 1.3% इन 4 सालों में इस्तेमाल किया। ये मैं नहीं कह रहा, आरटीआई का जवाब है। आरटीआई में ये कहा गया आपकी गवर्नमेंट से कि केवल और केवल 1.3% पैसा इस्तेमाल किया गया, यानी 4 सालों में यदि 7% पैसा यूज होगा तो स्मार्ट सिटी 50 साल में बने, इसके बारे में देखिए। स्मार्ट सिटी का एक अपना क्राइटेरिया है, उसके इतने पैरामीटर्स हैं जो केंद्र सरकार के सहाय उनको पूरा करने में बहुत समय था। कई बार टेंडर हुए, री टेंडर हुए, उस तरह की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे ज्यादातर का काम शुरू हो गया है। स्मार्ट रोड का काम शुरू हो गया है, स्मार्ट पार्क भी बन गया है, स्मार्ट जिम भी बन गए हैं, स्मार्ट टॉयलेट भी बन गए हैं। लेकिन 150 करोड़ के प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए, जिनमें टेंडर हो गए, टेंडर हो गए काम हो जाएंगे। फरीदाबाद के लिए आपके कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां बताएं। देखिए जी, इन 5 सालों में नेशनल हाईवे की सूरत बदली है, 6 लेन का हुआ है, फरीदाबाद हाईवे जाम से मुक्त हुआ है, फरीदाबाद की ग्रेटर महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी के लिए जमुना पर जो 30 साल पुल बना वो पुल का लगभग 40% काम हो गया, बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। फरीदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस आया, फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी आई 1000 करोड़ की, वो दोहरा है, उसका काम तेजी से राशि शुरू हो गई। फरीदाबाद लोकसभा में 6 नए डिग्री कॉलेज इन 5 सालों में आए, नाम कहो तो नाम भी गिरवा देता हूँ। उसके अलावा IIT खुली है, उसके अलावा जितने रोड फरीदाबाद में इन 5 सालों में बराबर हुई है, सुंदर रोड बने, गाँव हो, शहर हो, गली हो, तमाम कॉलोनियों में सीवर और पीने के पानी की लाइनें डाली जा रही हैं आउटसाइड कॉलोनियों में। आप देखेंगे एक नया मेट्रो का हमने पास कराई है, जिसकी DPR शुरू हो गई बननी, जो फरीदाबाद से गुड़गांव 30 किलोमीटर की लगभग 6000 करोड़ रुपए की मेट्रो होगी। एक और नया हाईवे जो 3600 करोड़ का है, जो DND कालेखान से कालाजीपुर
पूरी होटल बाईपास पर जुड़कर सीधा कैरी से मिट वाला जो केएमटी और दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे को कनेक्ट करेगा, वहां पर इंटरचेंज बनेगा, एक वो हाईवे पास कराया है। इसके अलावा देखेंगे आप, हमने पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है, रेलवे का पानी पहुंचाया है। इसके अलावा आप देखिए नए इंडोर स्टेडियम बनाए हैं, नए पार्क टाउन बनाए हैं। आप शहरों में देखिए नई एलईडी लाइट से शहर को जगमगाया जा रहा है। कई आरओबी बनाए हैं, आप आरओबी देखेंगे, रेलवे ओवर ब्रिज आप रसूलपुर में देखें, बामनी खेड़ा में देखें, आप 45 से आयु भी देखें, रेलवे अंडरपास 20 करोड़ की लागत से हमने गांवों की सड़कें, गांवों की चौपालें, गांवों की गलियां, गांवों की फिरनियां सुंदर बनाई है। सबूरों को अपग्रेड कराया है, जो सरकारी हॉस्पिटल नई सीएससी पीएससी बनवाई गई है, आप देखें देवला देखें, आप तिगाम देखें, सीकरी देखें, पाली देखें। आप इसके अलावा जो बीके हॉस्पिटल है वहां पर आपकी डायलिसिस की और स्टेंट डालने की नई सुविधा की भी मॉडल में छूट है। जो स्टेंट 1.5 लाख में डलता है आप 48,000 में बीके में डाले आज स्टेंट हर्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं। डायलिसिस मुक्त हो गया, ईएमआई शुरू हो गई है, सारी चीजें शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, डेवलपमेंट हो, सारी 5 सालों में अगर एक आप परवा देखिए 200 करोड़ की लागत से एलईडी घोड़ा दाखिल की परवा करेंगे, इतने ओवरब्रिज बनाए गए हैं, फिलहाल तो स्मूथ और सिग्नल फ्री करने के लिए इतने काम हुए हैं। आप अगर तमाम सड़कों के बाद आप बल्लभगढ़ जाइए, बल्लभगढ़ जहाँ कॉलोनी में घुटने पानी होता था, आरएस की सड़कें हैं, सीवरेज है, पानी निकासी का साधन है, सारा बल्लभगढ़ रात को जगमगाता है। नहर पार जाने के लिए दर्जनों फोर लेन के इन 5 सालों में हमने पुल बनाए हैं, आज कहीं कोई जाम नहीं होता आगरा और कैनाल पर, गुड़गांव कैनाल पर। आप आदर्श गांव में जाइए, 8 करोड़ की लागत से उस गांव की कनेक्टिविटी कारंसी गांवों की फ्री देखिए सारी आरएनसी की बनाई गई है। आप एक काम ऐसा बताइए जो 5 सालों में मैंने कभी दावा नहीं किया कि सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ मोदी और मनोहर जी की 5 साल की सरकार में इस पूरी टीम ने 5 साल में इतने काम किए जो पिछले 40 साल में नहीं हुए होंगे। अरावली में भी 5 साल में इतने काम हुए जो 40 सालों में नहीं हुए थे। अरावली में क्या हो रहा है, अरावली में बहुत सारे अवैध निर्माण चलते हैं, यहाँ की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं, जो पहले से बने हुए हैं मंत्री जी, प्रदेश में मंत्री जी प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा चल रही है, दावा है कि जिस प्रकार से भीड़ आ रही है तो इससे हम भाजपाइयों को पटक नहीं देंगे। देखिए ये ऐसा है, किसी पे ये जनता करेगी फैसला, पटक नहीं। और 23 मई दूर नहीं है, तो कहना नहीं नई बात कहा है, श्रीमान अभी आ गया है, 23 तारीख को बताएंगे हरियाणा में पटकनी कौन देता है, और न कृष्ण पाल पटकनी दे सकता है, कांग्रेस व्यक्ति है। ये पटकनी देने का काम हरियाणा की 36 बिरादरी की बहादुर जनता ने करना है, और 23 तारीख को शाम को टीवी में बैठे रहना, किसको पटक नहीं है। कार्रवाई हुई की नहीं हुई, हो जाएगी कार्रवाई, शिकायत दे सकते हैं मंत्री। ये गाना 31 तारीख को आप बजाएंगे, क्या वो रॉकी मित्तल द्वारा बनाया गया गाना है या कोई और है? नहीं, रॉकी मित्तल हमारा चेयरमैन है हरियाणा सरकार में, आईटी का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट देखता है, वो पार्टी के लिए गाने गाता है, मोदी जी का फैन है, उनका गाना बनेगा या कोई और गाना है? तो गाना वाला नहीं, उसी को कार्य कर रही है। नेताजी टिकटे कब तक घोषित करेंगे हरियाणा की? पार्लियामेंट की बोलकर